हमने सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को यज्ञ थेरापी से 25 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस करीब 25 प्रकार के अणुतेन से किसी भी प्रकार का फंगस दूर होता है। लेकिन एक रिसर्च पेपर में अभी तब तक उथल पुथल होली और लोग कटपिट के और अपने लुट गए और वो रिसर्च पेपर छपने में 2 साल लग गए। मैंने रिसर्च पेपर छापने वाले भी कहें कि ये कैसे हो सकता है कि ये आयुर्वेद के महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी हजारों साल पहले भी, उनको क्या पता कि कोरोना क्या था। अरे हमारे पूर्वजों को वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ बोध था, ऐसे हमारे पूर्वज थे। ये अणु तेल पेपर छापने में 100 इंक्वायरी की। अब देखो जो है पूरा ये जो पेपर छापा ना, इसके ऊपर 100 बार डॉक्यूमेंट मांगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कंपेरेटिवली हमने खाली अणु तेल ही नहीं, जो एलोपैथी के जो अलग अलग ड्रॉप्स हैं, अलग अलग मेडिसिन है उनका है, अलग अलग जो मेडिसिन है उनका भी, और इसमें जो रॉ मेटेरियल तेल यूज होता है, अलग अलग हब्स होते उनका अलग अलग कंपेरेटिव करते हैं। एक तरह से नहीं करते, रिसर्च भी 10 दिशाओं से करते हैं, इसके बारे में बताना चाहिए। और ये देखो हमने दिया 25 रुपए में, जिन्होंने कोई शोध नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं किया और पता नहीं क्या घोट के दे रखा, वो लोग इसको 300, 100, 200, 300, 500 रुपए में बेच रहे हैं। हमारा अणु तेल अच्छा है और उनके फार्मुलेशन का नहीं पता, बनाने के तौर तरीके का, मेथड का नहीं पता और कोई रिसर्च नहीं किया। ये है पतंजलि की सेवा, दूसरे दे रहे हैं 300 रुपए में, कोई 100 रुपए में, तो हम दे रहे 35 रुपए में, 25 रुपए में, 25 रुपए में दे रहे। शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, भस्म हमले दे दे 10-15 रुपए में, दूसरे बेच रहे 50-60-100 रुपए में और पता नहीं क्या घोट रखा है, ऐसा मामला है। तो ये ऐसे इसको हल्के में मत लेना। क्या किया था अणु तेल पर जरा बताओ। ओम स्वामी जी, तो अणु तेल ब्लैक फंगस के लिए मारता है, इसके बारे में हमने शोध तभी शुरू किया था जब जैसे ही ब्लैक फंगस का एक पहला केस इंडिया में आ गया था और पूज्य आचार्य श्री स्वामी जी का इंस्ट्रक्शन था कि इसको हम ट्राई करके देखते हैं। हमने काफ़ी सारे फॉर्मुलेशन ट्राई किए, अणु तेल का डेटा सबसे अच्छा था, पर उसके लिए हमें क्या करना था कि हमें ब्लैक फंगस को अपने लैब में ग्रो करना था। हमने ब्लैक फंगस को अपने यहाँ प्लेट्स में ग्रो किया, जो अगर आप स्क्रीन पर देख पाएँ तो मेरा स्क्रीन दिखा दीजिए, जो आपको नीचे गोल गोल सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो खाली प्लेट्स हैं जिनमें आप फंगस हम ग्रो करते हैं, और जो सफ़ेद सफ़ेद क्लाउड से बने हुए हैं बीच में वो एक्चुअली फंगस की कॉलोनी है। तो ब्लैक फंगस की शुरुआत जब होती है तब वो सफ़ेद हो जाता है, वो पक के स्वामी जी बाद में काला हो जाता है। उस फंगस को जैसा आप जो बीच का देखेंगे जो अनट्रीटेड लिखा हुआ है उस पर जब कुछ हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो बड़ा होता चला गया, और जब हमने इसको अणु तेला दिया तो उसने डोज डिपेंडेंस तरीके से उसको मारा। उसके साथ साथ हमने पैरेलल में जो एलोपैथिक की दवाई है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की गई थी, जो स्वामी जी ब्लैक में भी बिकी थी ब्लैक फंगस के टाइम पे, कितना रुपए में थी वो 6-6 हज़ार रुपए में उसका एक एक ड्रॉप, 6-6 हज़ार रुपए में ब्लैक फंगस की एलोपैथी की दवाई ब्लैक में बिकी 6 हज़ार रुपए में, और हम दे रहे थे 25 रुपए में। हमको लोग बावड़ा कह रहे थे और वो डाल डाल करके अपने नाक, आँख, कान, गला और दिमाग कटवा रहे थे। तो स्वामी जी वो जो दवाई है उसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, जो इसी की एलोपैथी की दवा मानी जाती है, उसको हमने पैरेलल में रन किया और पाया कि अणु तेल का डेटा उसके मुकाबले और अच्छा था, उससे भी ज्यादा अच्छा है, उससे भी ज्यादा अच्छा था। साइंटिफिकली प्रूव किया हमने। और ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, तो रिसर्च पेपर ने छापने से पहले बोले भाई हम नहीं छापते, तुम तो ये जो है हमारी खट खड़ी कर रहे हो, एलोपैथी के जर्नल में अपनी आयुर्वेद की रिसर्च छपा रहे हो और हमारी खटिया खड़ी कर रहे हो। तो स्वामी जी ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये एलोपैथिक का बड़ा जर्नल है, जर्नल ऑफ एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, उसमें एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी उसमें छापा है। ये वर्ल्ड के टॉप जर्नलों में किसी के अप्रोच से नहीं छपते रिसर्च पेपर। यदि आपका पूरा साइंटिफिक डेटा पूरे उसके रिसर्च के पूरे नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आप छापते हो तब, और वो तो हमारा आयुर्वेद के रिसर्च पेपर तो कोई छापता ही नहीं था पहले। बोले ये कैसे आयुर्वेद क्या है इसके, चाइना ने तो अपनी चाइनीज मेडिसिन को बहुत बढ़ा लिया, ये एक अलग तरह की बात है। पूरी दुनिया अलग अलग ढंगों से अपनी चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रही है और हम उसमें पिछड़ी रह गए थे, अब वो गौरव हम स्थापित कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमने छापे हैं, एक बार हमारे सारे साइंटिस्टों का अभिनंदन करो इस बात के, 500 से ज़्यादा। और रिसर्च के जो रिसर्च पेपर नहीं छपे हैं उसके नीचे की बैकग्राउंड की रिसर्च वो तो करीब 5,000 है, और वो करीब 5,000 है जो अलग अलग उसके रिसर्च के पहले की जो वर्किंग है, वो 5,000 प्रकार के रिसर्च हुए तब जाकर के 500 से ज्यादा पेपर छपे।
उसके बैकग्राउंड में बहुत काम करना पड़ता है जी। और स्वामी जी, इन स्टडी में जैसा आपने बताया कि हमने जो अणु तेल का बेस ऑयल है, जो तिल का तेल है, सीसमे ऑयल, उसका भी किया प्रयोग और पाया कि तिल के तेल अकेले से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, जो उसमें औषधियाँ मिली हुई हैं, जो 25 अलग अलग हर्ब्स मिली हुई हैं, उसकी वजह से इसमें एफिकेसी आई थी स्वामी जी। वो बेस का काम कर रहा था। अब कुछ लोग कहते हैं ये जो ये भी हम रिसर्च करते हैं कि तेल का असर है कि जड़ी बूटियों का असर है कि समग्रता में असर है कि जो मैं बात कर रहा था वननेस कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी, ये कैसे आती है चीज़ें। तो अकेला शरीर कुछ नहीं करेगा, फूकना पड़ेगा, अकेली आत्मा कुछ नहीं पड़ेगी करेगी, वो तो ऐसे हवा में उड़ती फिरेगी। अकेली आत्मा कुछ नहीं करेगी, अकेला शरीर कुछ नहीं करेगा, आत्मा को शरीर का बेस चाहिए, जड़ी बूटियों को तिल के तेल का बेस चाहिए, अकेला तिल का तेल कुछ नहीं करता है। तो ये अलग अलग ये अणु तेल इसलिए, और इसका असर 24 घंटे में, 24 घंटे हमने स्वामी जी फिर ऐसे वो भी तो स्टडी बताओ, तो एक एक बड़ी डीप स्टडी करते हैं, बहुत डीप स्टडी। इसमें स्वामी जी हमने क्या किया था कि एक ही फंगस सैंपल को ये एक बार डोज किया, 24 घंटे बाद दोबारा किया, 24 घंटे बाद फिर दोबारा किया, जैसा कि क्लिनिकल सेटिंग में करते, जैसे रोज नाक में रोज सुबह तेल डालना था, तो वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 24 घंटे की थी। जब हमने ऐसा किया स्वामी जी, तो इसके परिणाम और अच्छे आए, तो कम डोज पे ही ज़्यादा एफिकेसी हो गई, अगर हम उसे बार बार हर 24 घंटे पे उसको अप्लाई करते रहे। 24 घंटे में एक बार अणु तेल डाल लो और पूरी दुनिया में बेधड़क घूमो, इसलिए मैंने इसको कहा था कि ये है BSF। ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम करता है, ये BSF CRPF का काम करता है, उसके बाद आपकी भीतर की मिलिट्री मजबूत कर देता है, भीतर की सेना। ये छोटी सी चीज है। अब ये नस्यम आपको जो कराते हैं ना अलग अलग तरह के, किसी को होम नस्य कराते हैं, किसी को मुलेठी और गाय का घी से नस्य कराते हैं, किसी को सरसों तेल से, किसी को जो है अणु तेल से, किसी को बादाम रोगन से, अभी मैंने मस्तिष्क रोगों में ज्योतिषमती से कराना शुरू किया है। एक एक के ऊपर और रिसर्च करेंगे। ये तो अभी पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि जो हम कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है, इसको हम ये रिसर्च भी कर सकते हैं। स्वामी जी, हमने इसमें एक, चूंकि जब हमने इसको पब्लिकेशन को भेजा, तो जो बेसिक क्वेरी आती है कि ये दवा काम कैसे कर रही है, अणु तेल अपना काम कैसे कर रहा है, तो उसके मोड ऑफ एक्शन को ढूंढने के लिए हमने पाया स्वामी जी कि जो ब्लैक फंगस की जो खुद की सेल वॉल है, जो उसकी दीवार है, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है अर्गोस्टेरॉल, जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ईंट की तरह होता है उस दीवार में, अणु तेल जाके उस ईंट को बाहर निकालता है स्वामी जी। अर्गोस्टेरॉल का जो कंसंट्रेशन है, मैकेनिज्म भी पता लगा लिया कि कैसे ठीक कर रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस बेनिफिट। ये जो फिर फाइंडिंग है वो ये बता रही थी कि डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट मैनर में अणु तेल ने अर्गोस्टेरॉल का कंसंट्रेशन कम कर दिया, और उसके साथ साथ जो मैच्योर फंगस है जिसके स्पोर्स बनते हैं बाद में, जो स्वामी जी बीज की तरह होती है, जहाँ जहाँ स्पोर उड़ के जाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में फंगस फैलता है, तो उन स्पोर्स का रीजर्मिनेशन, उन स्पोर्स का दोबारा नया फंगस बनना, वो भी अणु तेल ने कंसंट्रेशन डिपेंडेंट तरीके में कम किया स्वामी जी। तो इंसान का अगर किसी को इन्फेक्शन है वो तो दूर होगा ही, औरों को वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, वो भी ये काम अणु तेल कर सकता है स्वामी जी, और उसने किया है। दोनों काम करेगा, खुद को होगा नहीं और दूसरे को फैलाएगा नहीं।